जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। दोस्तों, राजस्थान के प्रसिद्ध कॉमेडियन व लाखों लोगों के दिलों में राज करने वाले पंकज शर्मा आज अपने YouTube वीडियोस के माध्यम से पूरे भारत में प्रसिद्ध है। आज इनको अपने कॉमेडी के कारण भारत के अन्य राज्यों में भी बुलाया जाता है, जहां प्रवासी राजस्थानी भाई रहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पंकज शर्मा के जीवन की सारी जानकारी बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने बचपन में चुनौतियों से लड़ते हुए वर्तमान में एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरह के और वीडियो देखने को मिलेंगे। दोस्तों, पंकज शर्मा का जन्म 16 दिसंबर 1995 को मंडोर जोधपुर में हुआ था। दोस्तों, 2022 के अनुसार पंकज शर्मा 27 साल के हो गए हैं। आपको बता दें कि पंकज शर्मा के पिताजी का नाम बाल किशन जी है, जो कि एक अध्यापक है। पंकज शर्मा की माताजी का नाम अनीता शर्मा जी है, जो कि एक हाउसवाइफ है। दोस्तों, पंकज शर्मा के दो भाई भी है, जिनका नाम ललित शर्मा व कुशाल शर्मा है। दोस्तों, बचपन में पंकज शर्मा के घर वाले इनको प्यार से सोनी भी कहते थे। और हनीमून के लिए पता है मैं कहाँ जाऊँगा? कहाँ जाओगे? दुबई जाऊँगा। दुबई? बेबी दुबई क्यों? बेबी मेरे को मियां खलीफा के ऊपर चढ़ना है। क्या हुआ? मियां खलीफा नहीं, वो बुर्ज खलीफा होता है। अच्छा हाँ, वो जो भी है बुर्ज खलीफा, मेरे को ऊपर से देखना है दुबई कैसा लगता है। आपको बता दें कि पंकज शर्मा मूल रूप से भरतपुर के रहने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पंकज शर्मा के पिताजी एक अध्यापक हैं, जो जोधपुर में एक स्कूल चलाते हैं। तो इसी कारणवश पंकज शर्मा का परिवार भरतपुर से जोधपुर शिफ्ट हो गया था, और फिर पंकज शर्मा का जन्म भी जोधपुर में ही हुआ। दोस्तों, पंकज शर्मा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जोधपुर के होलेस फ्रेंड स्कूल से पूरी की, और 12वीं तक की पढ़ाई यहाँ से करने के बाद उन्होंने जोधपुर की ऐश्वर्या कॉलेज से साइंस में अपनी पढ़ाई पूरी की। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की और जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।